देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया पे गलत लोग डालते हैं तभी गलत लोग देखता है, अगर गलत नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया बढ़िया है। बिल्कुल, आजकल के आप जो यूथ को देखेंगे ज्यादातर यही चीजें देख रहे हैं, टेंट बना रहे हैं वो लड़कियां बना रही है ना शॉर्ट ड्रेसेस डाल के, तो गलत क्या है शॉर्ट ड्रेसेस में? जब आप हर चीज आप वेस्टर्न वेस्टर्न करते रहते हो तो वेस्टर्न ड्रेसेस में डाल के एक लड़की ऐसी रील्स बना रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल हो रहा है, पूरे तौर से हो रहा है और इसको तो बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्या नाम है भैया? हरिओम पांडे। सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी। सोशल मीडिया पर क्या क्या देखते हैं? बहुत सारी चीज़ देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है जिस तरीके से अश्लीलता इन दिनों फैलती जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अश्लीलता तो फैलती जा रही है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत कुछ गलत उपयोग भी कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर रहे हैं कुछ लोग, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बउआ, जिस तरीके से इन दिनों अश्लीलता फैलती जा रही है उसको लेकर क्या कहें? ये सब बकवास चीजें, ये सब बंद होने चाहिए, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत होती है तो इससे मतलब समाज पर बुरा असर पड़ता है, समाज पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से अश्लीलता? संदेश यही है जी, कम करें अपने मतलब सोशल मीडिया के, फेमस होने के लिए तो नहीं होना चाहिए, नग्नता भी कम होनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ तो फेसबुक जिस तरीके से इन दिनों अश्लीलता सोशल मीडिया पर फैलती जा रही है या फैलाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत गलत है। सोशल मीडिया पर आप अगर फेसबुक चला रहे हैं और किसी के इसमें जो इस तरीके से आते हैं तो बच्चों पर बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ता है उसका, अश्लीलता वल्गैरिटीज़ वगैरह जो है, तो ये ऑटोमेटिकली हम कई बार खुद ये रीलिंग बीच में आ जाती है आज, क्योंकि लोग बाग रील यूज़ करते हैं, वो देख रहे होते हैं और उसके साथ साथ में कहाँ हम लोगों का टेस्ट कुछ अलग है, हम रिलीजियस हैं या कुछ है, और उसमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है या कुछ ऐसे, तो एकदम उसका माइंड पर ऐसा असर पड़ता है। और कि उसको हटाने के लिए ऑप्शन हम देखते हैं कि आई कैन मतलब ये हाइड किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद फिर आ जाती है, तो ये सब तो बेकार है, गलत है, गलत है। आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया का आजकल जो लोग हैं वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं या दुरुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया का? हर चीज़ का हुआ है, साइंस का जब भी उसके यूज़ भी हुआ है और दुरुपयोग भी हुआ है, उपयोग भी हुआ है, दोनों चीज़ें हैं, तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से इन दिनों अश्लीलता फैलती जा रही है, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी तमाम ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, तो आपको लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जहाँ पर गलत चीज़ें दिखाई जाती है, सही कंटेंट नहीं परोसा जा रहा है? देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया पे गलत लोग डालते हैं तभी गलत लोग देखता है, अगर गलत नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया बढ़िया है, एक्टिव है, बढ़िया है सोशल मीडिया, बहुत बढ़िया है। लोग गलत करते हैं तो गलत हो जाता है। गलत कैसे करते हैं? गलत लोग गलत उस पर प्रयोग करते हैं, अगर सही प्रयोग करेंगे तो सोशल मीडिया से बढ़िया कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हो रहा है। बहुत बढ़िया है, मतलब सोशल मीडिया आपके हिसाब से सही है? हाँ सही है जी। मैं तो ये कहूँगा दोनों अगर साथ में, अगर इंसानियत जिंदा है तो सही सलामत है ऑलरेडी, कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता कि कोई के बारे में गलत कह सके, ना कोई के भी मजहब ये कहेगा क्योंकि तुम अच्छे इंसान और अच्छे राह पे चले करके एक दूसरे का सहारा बने करके, और मेरा ये कहने का मतलब एक दूसरे का साथ लेके चले आप आगे चले। लेकिन अश्लीलता जो परोसती जाती है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा या तमाम चीज़ें, इसको लेकर क्या कहेंगे? बस यही है कि लोग जाहिल लोग कुछ लोग हैं जाहिल लोग जो आगे बढ़ावा दे रहे था धर्म पार्ट इसमें उसमें, धर्म में जैसा क्या जाहिल लोग करते हैं इसमें, और जो नॉलेज वाला इंसान है वो अक्सर नहीं करता। वही कुछ लोग हैं जिन्हें शायद से अपन बोल सकते हैं पॉलिटिशियन हेल्प कर रही है, जो ऐसे सोशल मीडिया हो रही है और उस पर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है और फैलाया जा रहा है, हर तरफ इसको फॉरवर्ड किया जाता है। कुछ लोग हैं जिन्हें नॉलेज इसमें सही में लिटरेसी यानी लिटरेसी रेट वैसे भी इंडिया की बहुत कम है मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। तो लिटरेसी की वजह से आपको लगता है ये? हाँ बिल्कुल, हाँ। हो सकता है पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। दिल्ली अपनी गवर्नमेंट दिल्ली की गवर्नमेंट जैसा बोल रही है स्कूल एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ। इसमें जो जिस तरीके से कंटेंट गलत दिखाया जा रहा है तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल हो रहा है, पॉलिटिशियन इसके पीछे मुझे लगता है। आपको लगता है पॉलिटिशियन से? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लगता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट अगर ना इसके यानी इसके बिहाफ में नहीं रहती तो अगर से फिर पॉलिटिशियन और ये सब एक्शन हुआ ही नहीं आता। आप रील्स देखते हैं? जी। कैसे रील्स देखते हैं? बहुत ऐसे आते हैं कि जिसे नहीं बोलूं तो ज्यादा बेटर। नहीं बता सकते। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन दिनों अश्लीलता फैलती जा रही है उसको लेकर क्या कहें? अश्लीलता किस टॉपिक में बात कर रहे हैं आप? जैसे कंटेंट दिखाया जा रहा है कई ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनकी वीडियो वायरल होती हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है? पब्लिक सिटी करने के लिए, अपना चेहरा मीडिया के सामने लाने के लिए सब दिखावा कर रहे हैं। पब्लिसिटी स्टंट है? हाँ पब्लिक स्टंट।
ये गलत है या सही है, क्या आपको लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया? हाँ हाँ, ये दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हो रहा है। नहीं, मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, ना मैं इंस्टाग्राम चलाता, मेरे दोस्त फेसबुक रील्स भी नहीं देखते? नहीं, कुछ नहीं देखता मैं। क्यों, मतलब सोशल मीडिया से इतनी दूरी क्यों बनाई है? नहीं, दूरी का ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं चलाना नहीं चाहता या कुछ भी, पर मेरे अभी एनडीए का एग्जाम आ रहा है और बाकी मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं। हाँ जी बिल्कुल। आप बिल्कुल, आजकल के आप जो यूथ को देखेंगे ज़्यादातर यही चीज़ें देख रहे हैं। आप भी देखिए, आप भी थोड़ा मेकअप करके आएंगे, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, ताकि आपके मेकअप में अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को लेकर। हाँ शायद, क्योंकि मेकअप ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और आपने कहाँ पढ़ा है कि मेकअप करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं? आपको पता है ऐसे साइकोलॉजी होती है, अगर ज़्यादा सुंदर देखेंगे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल, और ज़्यादा लोग फेमस होने के लिए मतलब कुछ भी करते हैं। पब्लिसिटी स्टंट है? हाँ आप कह सकते हैं पब्लिसिटी स्टंट है। तो आप लोगों के पर्सनल उस पर भी कमेंट करते हैं? नहीं करता नहीं, मैं आपने पूछा इसी वजह से मैंने बताया था। तो मेरा सवाल आपसे था कि मिसयूज़ होता है नहीं, तो आप पर्सनल अटैक कैसे करते हैं? आपने पूछा इसलिए लगा कि बताना चाहिए। तो मेकअप आपको लगता है अगर लड़की मेकअप करती है तो किसी को दिखाने के लिए कर रही है? अट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ तक है आपको लगता है अट्रैक्ट करने के लिए कर रही है? मुझे नहीं, मतलब लोगों को लगता है। मैंने आपकी सोच, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना यूट्यूबर हैं, अपना जो करना चाहते हैं वो करते हैं। यस, ये तो बंद करना चाहिए। तो आपको लगता है कि फेमस होने के लिए लोग आजकल पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, खुद की वीडियोस वायरल करके? यस यस। सही आपको लगता है ऐसा? यस। नहीं, वो भी एक काम है। काम है, इसमें अश्लीलता क्या है? एक बात बताओ, इंटरनेट के ऊपर आप जो चीज़ सर्च करते हो वो चीज़ सामने आती है, आप अपनी पसंद से देखते हो, ठीक है? अभी इसमें गलत क्या है? लेकिन कहा जा रहा है कि जो है यूथ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, गलत कंटेंट परोसा जा रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ गलत ही कंटेंट परोसा जा रहा है। देखो ऐसी बात नहीं है, आप एक मान लो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ, तो जब आप नॉर्मल कंटेंट बनाते हो, कुछ मसाला नहीं देते पब्लिक को, तो व्यूज़ नहीं आते। जब आप मसाला देते हो व्यूज़ आ जाते, फिर हम क्या करें? क्रिएट अश्लीलता फैलाना। देखो यार, अश्लीलता किस चीज को कहते हो आप? जो चीज मैंने आपको बोला ना, यूट्यूब का मतलब क्या है, आप सर्च करके खुद देखते हो, आपके ऊपर है। अब मैं मान लो 18 साल प्लस हूँ, आई एम एन एडल्ट, ठीक है, तो मेरे हाथ में है। मैं जब मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने स्कूल करा, कॉलेज करा, आज मेरा खुद का माइंड है, तो आप हम किसी को कह नहीं सकते कि इसको वो बिगाड़ रहा है, वो बिगाड़ रहा है। अब थिएटर में अच्छी फिल्में भी रिलीज होती है, नहीं जाता कोई देखने। तो आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं? मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब ज़्यादा चलाता हूँ, इंस्टाग्राम भी देखता हूँ। कैसी शॉर्ट्स या कैसी रील्स को आप फॉलो करते हैं? लड़कियों की रील्स देखता हूँ ज़्यादा। लड़कियों की रील्स देखते हैं? हाँ। अच्छा, तभी आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट किस बात का, मतलब वो भी एक काम है ना। हाँ। वो भी एक काम है। हाँ। उसमें गलत क्या, देखना क्या गलत है? जैसे जैस्मीन, वैसे मतलब डिफेक्ट पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, इसलिए बंद होना चाहिए। बंद होना भी चाहिए, मतलब ये उनको बैन करना चाहिए। हाँ। जो उनसे मतलब ऐसे करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, उन्हें बैन करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, YouTube, Facebook, Instagram पे, वहाँ पे ध्रुव राठी जैसे बंदे भी हैं जो हर सामाजिक मुद्दों पे मुद्दे उठाते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम लोग वो भी देखते हैं और Instagram पे रील्स भी देखते हैं लड़कियों की, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कंटेंट बना रहे हैं वो, लड़कियाँ बना रही है ना शॉर्ट ड्रेसेस डाल के, तो गलत क्या है शॉर्ट ड्रेसेस में? जब आप हर चीज़ आप वेस्टर्न वेस्टर्न करते रहते हो, तो वेस्टर्न ड्रेसेस में डाल के एक लड़की ऐसी रील्स बना रही है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल हो रहा है, पूरे तौर से हो रहा है, और इसको तो बिल्कुल बैन करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कोई अश्लीलता नहीं है। इससे करियर एक अलग चीज़ होती है, प्लस इस पर जो यूट्यूब पर डाला जाता है ना, वो एक अलग चीज़ है। इससे हम लोगों को तो कुछ नहीं है, हम लोग तो अपनी जगह बिल्कुल स्टैंड है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि जो हमें पता नहीं था 20 सालों तक पता नहीं था, आज वो चीज़ 5 साल के 4 साल के बच्चों को पता है और बहुत अच्छे से पता है। वो मेडिकल साइंस से लेकर के और स्पोर्ट्स से लेकर के हर मैं मतलब तो चीज़ें सोशल मीडिया फैला रहा है। जब सोशल मीडिया चल रहा है तो उसमें फैल रही है, लोग डालते हैं, उनको लाइक मिलता है, उसके हिसाब से जो है उनको। आप पुराने जमाने के हो, 60 से पहले 70 की एज में पैदा हुए हो, तो आजकल के माँ बाप खुद बच्चों को डांस करवा रहे हैं, चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम, तो उसमें बताओ फिर क्या आपका कहना है? माँ बाप वो आप रहे हो, कैमरे पे आके फिर आप ये बोल रहे हो ये गलत है। मैं एक बात, आपकी आपकी बात बहुत सही है, बहुत बढ़िया बात कही, बट
न्यूडिटी किसी को पसंद नहीं है, न्यूडिटी को हो सके तो न्यूडिटी सोशल मीडिया फैला रहे हैं उसको सब सब सभी फैला रहे सभी लड़कियां छोटे कपड़े पहने इसमें क्या गलत है न्यूडिटी की बात नहीं अच्छा फिर ठीक है तो फिर और कौन सी अश्लीलता की बात कर रहे हो आप ये कहना आप जनरेशन चलो आप कहना यंग जनरेशन हो आपको पसंद आ रहा है हमें नहीं पसंद आ रहा है ना रीजन ये है कि हमारे बच्चे पढ़े हैं अगर वो चीज़ देख रहे हैं तो प्रभाव गलत होता है रीजन ये है हाँ ये चीज़ आप आपके आपकी बीवी बच्चों को डांस करवा रही है कोई रिश्तेदार आ जाता है बेटी डांस वो फॉलोअर डांस करा नहीं नहीं पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती है ना समाज में हर तरह के कैटेगरी है लोगों की हाँ जी बिल्कुल क्या लगता है आपको सोशल मीडिया का इन दिनों मिसयूज हो रहा है न्यूडिटी को बहुत ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम जहाँ तक मैं मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलाता बट देखा जाए आजकल के जो युवा है ज़्यादा ही मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट से लेते हैं उस चीज़ को ओके अगर लॉकडाउन में देखा जाए पढ़ने में जो अच्छे बच्चे थे लॉकडाउन से पहले उनका जो रेशियो है वो घटता गया बट जहाँ तक मेरे हिसाब से आप सोशल मीडिया को यूज मत कीजिए बट जैसे गूगल है उसे यूज़ करिए क्योंकि सोशल मीडिया एक इंस्टाग्राम रील्स वगैरह नहीं चलते मैम इंस्टाग्राम हो गया आपका व्हाट्सएप हो गया और फेसबुक हो गया ये चीज़ें हमारी सोशल मीडिया में आती है पहली बात तो ये चीज़ें हैं इनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए चाहे मैं हूँ आप हो इनसे दूर रहना चाहिए बट जो जैसे हमारा गूगल हुआ इनसे मतलब इनका टच में रहना चाहिए अब जैसे मैम एक्चुअली मेरे पास ही है अब मुझे कभी कभी ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी वैकेंसी आ रही है मतलब कहाँ अपडेट इस चीज़ के लिए मतलब मुझे यूज़ हो रहा है आपके हिसाब से फैल रही है मैम बहुत ज़्यादा और ये लगा लो इसका मिसयूज यहाँ तक हो रहा है कि हमारा जो अपना करैक्टर है वो डाउन चला जा रहा है वो सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारा जो करैक्टर है वो डाउन चले जा रहा है इसके एस्पेक्ट में क्या लगता है आपको क्या नाम है आपका सचिन सचिन क्या लगता है कि वाकई में न्यूडिटी फैल रही है एक मिसयूज किया जा रहा है गलत कंटेंट पर उसका सोशल मीडिया पर हर किसी के द्वारा नहीं कुछ लड़कियां हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करती हैं गलत तरीके से इसको दिखाती हैं लेकिन हर कुछ ऐसी भी हैं जो अपना रियल टैलेंट उस पर दिखाती हैं और वहाँ से सेलेक्ट भी हो रही हैं आगे भी बढ़ रही हैं लेकिन कुछ ऐसी हैं जो इसका गलत उठा इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको एक तरीके से टारगेट कर दोगे तो सबको एक तरीके से टारगेट करना भी ठीक नहीं है यहाँ पे तो यही है चलिए तो ये हमारे एक बात बोलना चाहूँगा मैं देखो बात खत्म करते हैं हम लोग मतलब वाला अश्लील पता नहीं आप अश्लील के बहुत सारे मायने हैं शॉर्ट ड्रेसेस के डाल के मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़े से रोमांटिक या इंटीमेट सीन्स वाली वीडियो बना रहा हूँ भाई मेरे को तो इनकम हो रही है बढ़िया मज़ा आ रहा है लोग लाइक कर रहे हैं बच्चे बूढ़े सब लाइक कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ जब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो हैं जैसे कि एकता कपूर वो इतने बड़े पैमाने पे बनाते हैं आप लोग जब उनको अपोज नहीं करते कि वो क्यों बना रहे हैं ऐसी वेब सीरीज क्यों बनाई तो फिर यार हम भी कमाएंगे फिर पैसे यार फिर हम भी कमाएंगे सही कह रहा हूँ अंकल जी है ना मुंशी जी तो मुंशी जी ने हरी झंडी दी मुंशी जी इधर आओ आ जाओ यार बड़े सोने लग रहे हो आ जाओ अरे आ जाओ तो मैं ये कह रहा हूँ जब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कमा रहे हैं पैसे करोड़ों में हम लाखों में कमा रहे कोई दिक्कत है भाई चलिए तो ये आपने दिल्ली की जनता की राय सुनी कि किस तरीके से इन्हें लगता है कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है या नहीं कई लोगों का मानना है कि वाकई में मिसयूज़ जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रहा है कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि मिसयूज़ नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया में इन दिनों वाकई मिसयूज़ जो है वो बढ़ गया है और क्या न्यूडिटी सोशल मीडिया बढ़ावा दे रहा है या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए सौगन टीवी के साथ बने रहें तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत कैमरा पर्सन सुमित के साथ चालनी झा सौगन टीवी दिल्ली आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की